हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन एकेडमी। आज हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फाइंड द थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर हुज सम इज 246। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है हमारा लगातार, तो लगातार कंसेक्यूटिव दो थ्री निकालना है हमें। तो सॉल्यूशन उसका करते हैं, तो देखिए किस तरह का सॉल्यूशन है। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, अब बस सॉल्यूशन देखिए। तो मान लेते हैं लेट थ्री नंबर इज 2x, 2x प्लस 2 और 2x प्लस 4। अब इसको हम सम कर लेते हैं, तो सम कर लेते हैं। सम लिखने के बाद 246 में सम इज 246, टोटल का सम कितना था 246 इज इक्वल टू 246 डाल दिए। अब इसके बाद 2x प्लस 2x प्लस 2x मीन्स 6x और 2 प्लस 4 6 हो गया इज इक्वल टू 246। अब 6x है हमारा, तो 6x इज इक्वल टू 246 माइनस, इसको इस साइड ले जाते हैं तो माइनस 6, तो हमारा हो जाता है 6x प्लस 240। तो 6x बराबर 240 बाई 6, जो कि हमारा 40 आता है। तो x बराबर हमारा 40 आ गया, x बराबर अगर हमारा 40 आ गया तो थ्री कंसेक्यूटिव निकालना था। तो हम बनाए थे क्या थ्री कंसेक्यूटिव, 2x, 2x प्लस 2 और क्या बनाए थे 2x प्लस 4। तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो x आया हमारा, ये जो x आया हमारा, इसको हमको पुट करना है। तो इसको पुट करते हैं तो कितना बन के आता है 2 × 40 = 80। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, 2 × 40 प्लस 2 क्या बन के आया 2 × 80 प्लस 2, 80 प्लस 2 82। अब इसको इसमें पुट करते हैं तो 2 × x की जगह पे 40 प्लस 4, 4 × 2 = 80 प्लस 4 84। तो ये जो बन के आया हमारा 80, 82 और 84, जो कि हमारा क्या है थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, जो कि हमारा आंसर होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।